दोस्तों, अगर आप सच में छठी मैया की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय हो छठी मैया की। छठी मैया का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्तों, छठी मैया के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि छठ माता की पूजा कब है। छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर शुक्रवार से हो रही है। इस दिन नहाय खाय किया जाता है। 18 नवंबर शनिवार को खरना किया जाएगा। वहीं 19 नवंबर रविवार को छठ पूजा की पहली अर्घ्य यानी संध्या अर्घ्य दी जाएगी और 20 नवंबर सोमवार को छठ पूजा की दूसरी और आखिरी अर्घ्य यानी उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। दोस्तों, छठ पूजा में छठी मैया को या तीन चीजें कभी मत चढ़ना भूलकर भी ऐसी छठ पूजा कभी मत करना। घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है और साथ आपकी इस गलती से छठी मैया क्रोधित हो जाती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार छठ पूजा वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि पर मनाया जाता है। ये हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो नहाए खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। यह व्रत करने वाले व्रतधारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद है इस व्रत का समापन किया जाता है। दूसरा, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप और व्रत टूट जाता है, छठ मैया क्रोधित हो जाती है। और ध्यान रहे दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी न रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है, पति पर भी भारी संकट आ सकता है, उल्टा आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से दूर रहे। दोस्तों, कार्तिक मास की षष्ठी को छठ मनाई जाती है। चौथे दिन को पूजी जाने वाली षष्ठी को बिहार में आसान भाषा में छठ मैया कहकर पुकारते हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजे जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन है, इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं पुराणों में मां दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। खासकर वो जोड़ी जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वो छठ का व्रत रखती हैं। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी न करें तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वह शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसी कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों के संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी ही शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के साथ फेरे ले। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी न करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी वह मन से नहीं रखती है तो उसके पति या संतान की मृत्यु या उन पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान को कष्ट कभी नहीं आते, छठी मैया करती है रक्षा, घर परिवार होता है खुशहाल। दोस्तों, छठ पूजा करने से सैकड़ों लोगों के फल की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, वहीं कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करते हैं। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं चढ़ानी चाहिए, भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर एक, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य नहीं देना चाहिए, इससे व्रत टूट सकता है। दोस्तों, नंबर दो, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार न बनाएं और न ही परिवार में किसी को खाने दें। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि या धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर तीन,
छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुभता के साथ मनाया जाता है। प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिससे ताजा लूटा गया है। यदि गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद न बनाएं, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। दोस्तों नंबर 4, सूर्य को अर्घ देने से पहले कभी भोजन न करें। व्रतधारी को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों नंबर 5, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत को पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। दोस्तों नंबर 6, घर में प्याज और लहसुन का प्रयोग इन 4 दिनों तक भूल कर भी ना करें। इससे जीवन में आपको बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। इस समय लहसुन और प्याज आदि चीजों से दूरी बना लें। छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। माँ आपके व्रत को संपूर्ण करती है और कोई भी बाधा नहीं आती। दोस्तों नंबर 8, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहां साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। दोस्तों प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। दोस्तों पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें। जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं आने चाहिए। दोस्तों घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है, क्योंकि छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। इसलिए व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य कर लें। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको प्राचीन ज्ञान द्वारा छठ माता का संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। छठ पूजा में भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना करने का विधान है। मान्यता है जो इस महापर्व में 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से इनकी आराधना करता है, उन्हें संतान सुख, बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य, सूर्य के समान तेज बल प्राप्त होता है। षष्ठी देवी की कृपा से बच्चों पर आने वाले हर संकट का नाश होता है। कहते हैं इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। मान्यताओं के अनुसार वह घंटों पानी में रहकर भगवान सूर्य की आराधना करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सूर्य की कृपा से ही महान योद्धा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। दोस्तों व्रत के समापन पर आप शरबत पी सकते हैं और छठी माता को चढ़ाए जाने वाले भोग का सेवन कर सकते हैं। भगवान सूर्य और छठी माता को चढ़ाने से पहले प्रसाद का सेवन न करें। बिना हाथ धोए या नहाए पूजा के लिए बनाई गई किसी भी चीज को छूने से बचें। त्योहार के 4 दिन मांसाहारी भोजन से परहेज करें। दोस्तों छठ पूजा व्रत के लिए सबसे पहले नए कपड़े लेने होते हैं। व्रती महिला को सबसे पहले अपने लिए एक नई साड़ी खरीदनी चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी टोकरियां चाहिए। इनमें ही सारी सामग्री रखकर पुरुष इसे अपने सिर पर रखकर नदी या तालाब के पास पूजा के लिए ले जाते हैं। इसके अलावा सूप की जरूरत पड़ती है। सूप चाहे बांस का ले लें या पीतल का, दोनों का ही इस्तेमाल हो सकता है। साथ में दूध और जल के लिए एक ग्लास, लोटा या कलश और थाली भी ले लें। 5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हों, पानी वाला नारियल, अक्षत, पीला सिंदूर, दीपक, घी, बाती, कुमकुम, चंदन, धूप बत्ती, कपूर, दीपक, अगरबत्ती, माचिस, फूल, हरे पान के पत्ते, साबुत सुपाड़ी, शहद का भी इंतजाम कर लें। इसके अलावा हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, बड़ा वाला मीठा, नींबू, शरीफा, केला और नाशपाती की भी जरूरत पूजा के लिए पड़ती है। इनके अलावा शकरकंदी और सुतनी लेना ना भूलें। मिठाई, गुड़, गेहूं और चावल का आटा और घी की भी व्यवस्था कर लें। दोस्तों छठ की पूजा में यह 5 फल अवश्य होने चाहिए। छठ में नारियल चढ़ाने का बहुत महत्व है। श्रीफल को नारियल कहते हैं। माना जाता है कि इसे चढ़ाने से घर पर लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। छठी मैया के फलों में से एक है गन्ना। गन्ने का घर बनाकर छठ में पूजा करना आम है। कहते हैं कि ऐसा करने से छठी माता खुश रहती है। गन्ने से बने गुड़ भी छठ पूजा में प्रसाद बनता है।
हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि केले में श्री हरि विष्णु का निवास है। श्री कृष्ण भी केला खाते हैं। केले को शुद्ध फल कहते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए छठी मई को केला चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह एक प्रिय फल है। डाब नींबू आम नींबू से बड़ा होता है। छठी मई को ये नींबू बहुत अच्छे लगते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए डाब नींबू प्रसाद में चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में बिना सुपारी के कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। जार सुपारी माता लक्ष्मी का प्रिय फल है। यही कारण है कि छठी माता को भी सुपारी देनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी घर आती है। दोस्तों, आप में से कौन कौन छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहता है? अगर आप छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जाए, छठी मैया जरूर लिखें और छठी मैया के लिए इतनी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।